हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रितु। आपका हमारे चैनल इंक्रीज ब्यूटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है एक प्रोडक्ट का आपके सामने रिव्यू करूंगी। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी प्रोडक्ट का मैं सेल नहीं कर रही हूं। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आज ही आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले, आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है मैं आज ये वाले प्रोडक्ट का आपके सामने रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये है जो है पैराशूट का जो है एडवांस एलोवेरा जो है हेयर ऑयल है ये। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये जैसा पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल आता है वैसी ही इसकी पैकेजिंग है, बस ये थोड़ा ट्रांसपेरेंटेड है। और इसका जो कैप है वो ओपन कैप है, और अगर ये गलती से आपका टूट जाता है कैप तो इट मीन्स ये आपके जो है ऑयल ट्रैवल के दौरान इसे आप कैरी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये 100% नेचुरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर केमिकल्स जो है प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जो है परफ्यूम्ड हेयर ऑयल और मिनरल ऑयल भी है। तो ये केमिकल्स फ्री बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर केमिकल्स हैं। तो ये 100% नेचुरल नहीं है। और तो बात करते हैं इसके क्लेम की। तो इस पर क्लेम जो करता है ये कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग आपके हेयर को सॉफ्ट कर देगा, सिल्की कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये मेरा तो ऑलमोस्ट बॉटल फिनिश कर दिया है मैंने यूज़ करके इसे। तो मैंने जब इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसको ख़रीदा था, इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट्स जो मेरे को यहाँ मेंशन हुए थे कोकोनट और एलोवेरा के कारण ही मैंने ख़रीदा था। क्योंकि आपको पता ही है एलोवेरा हमारे हेयर्स के लिए और कोकोनट का ऑयल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने इस बॉटल को ख़रीदा था। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 210, और 210 में आपको ये मिल रहा है 400 ml, जो कि बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी है। और ये बिग बॉटल है, इसका स्मॉल पैकेजिंग और मीडियम पैकेजिंग भी मिलती है मार्केट में, तो आपको इसे भी ले सकते हैं। तो अभी इसका जो आपको यूज़ कैसे करना है, यूज़ तो जैसे जैसे भी किसी भी ऑयल को आप लगा सकते हैं। इसकी स्मेल की, तो इसकी स्मेल जो है माइल्ड है, किसी को भी अच्छी लगने वाली स्मेल है। और अगर बात करें कि कोकोनट की स्मेल आ रही है इसके अंदर या फिर एलोवेरा की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो इसके अंदर से कुछ ऐसा अलग से कुछ फील नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं कि कुछ लोग दावा करते हैं कि इसके अंदर चिपचिपाहट नहीं है जैसे कि और ऑयल में होती है, अदर ऑयल में, तो ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर स्टिकनेस है, लेकिन जो अदर्स कोकोनट ऑयल होता है, जो पैराशूट का ब्रांड हमने दूसरा से कम है इसके अंदर, लेकिन स्टिकनेस तो ज़रूर है। और इसका जो एक माइनस पॉइंट ये है कि जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको जो है शैम्पू 2 times करना पड़ता है आपके हेयर पे, नहीं तो ये ऑयल आपकी हेयर से नहीं जाता। और दूसरी बात, ये 100% नेचुरल भी नहीं है, तो इसके अंदर केमिकल्स भी हैं, इसे 100% हम नेचुरल नहीं कह सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको एलोवेरा जेल मतलब एलोवेरा के कारण ही आपने इसे परचेज़ किया था, कोकोनट और एलोवेरा के कारण, तो आप घर पर ही जो है अपना ये ऑयल रेडी कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो 100% नेचुरल होगा। आपको कोकोनट ऑयल और जो है एलोवेरा को मिक्स करके एक ऑयल रेडी कर लेना है, तो वो 100% प्योर होगा और बेस्ट होगा, और जो कि आपके हेयर्स को लॉन्ग भी करेगा। और अगर बात करें कि इसके क्लेम की में जो ये बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हेयर कर देगा या सिल्की हेयर कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो जो है 2 months हो गए इस ऑयल को लगाते हुए, तो मेरे हेयर्स में तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया कि ये लॉन्ग हो गए। और इसको वॉश जब इस ऑयल को लगाने के बाद आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है आपको। अब किस कारण होता है ये नहीं मैं बोल सकती, लेकिन आपको हेयर फॉल जो है
जरूर होता है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर इस प्रोडक्ट के मुझे जो है एक दो माइनस पॉइंट लगे और कुछ इसके गुड पॉइंट्स भी थे जो मैंने आपके साथ एवरीथिंग शेयर किया कर दिया। तो फ्रेंड्स ये एक होनेस्ट रिव्यू था, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है वीडियो। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने इस वीडियो से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर किसी नए अपलोड के साथ, फिर किसी समय, फिर किसी वक्त, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।